हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कैमटेशा स्टूडियो का वीडियो नंबर 14 है और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, वो है सोशल मीडिया लोअर थर्ड। आप अक्सर किसी यूट्यूब चैनल या किसी अदर चैनल पर या किसी टीवी चैनल्स पर भी आप देखते होंगे, सोशल मीडिया लोअर थर्ड आपने देखे होंगे। अमूमन ज्यादातर आपने यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे। और जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नया नया काम करते हैं, तो इनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड मराइल हो जाते हैं, जिसमें वो बेचारे वो सोचते रह जाते हैं कि हम इस टाइप की चीजें कैसे कर सकते हैं, हम अपने चैनल को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और हम अपनी जो वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो तो अच्छे रिजल्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं, 1080 PPS पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे अपलोड भी करते हैं। बट इन चीजों पे जो सोशल मीडिया लोअर थर्ड वगैरह के जो चीज होती है या ग्राफिक्स मोशंस होते हैं, वो हम ऐड ना करके हम अपने जो वीडियोस होते हैं उसका सारा मजा खराब हो जाता है। तो गाइस, सोशल मीडिया लोअर थर्ड जो कि आप डेफिनेटली खुद क्रिएट कर सकते हो, बट ज्यादातर जो होता है वो आपको इंटरनेट से बाय करना पड़ता है किसी ग्राफिक्स वेबसाइट पे जब आप जाते हो। जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया तो मैंने खुद सर्च किया, मैंने काफी मेहनत की, बट मुझे कोई इतने अच्छे रिजल्ट वाले लोअर थर्ड नहीं मिले। तो एक वेबसाइट थी, आई डोंट नो कौन सी थी, दो तीन वेबसाइट पर मैंने विजिट किया, तो वहां पे कहीं इसकी कीमत $18 थी, कहीं पे $20 थी। तो उसके बाद, क्योंकि मैं ग्राफिक का काम जानता हूँ, तो उसके लिए आपको एडोब फोटोशॉप की जरूरत होगी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ग्राफिक्स के अबाउट बहुत जल्द अच्छे और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, जो कि मैं चैलेंज करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि आईटी स्पॉट के प्लेटफॉर्म से मैं बहुत कुछ आप तक शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज, इसमें एडोब फोटोशॉप की आपको नीड होगी, बट अभी के लिए वो आप अपना खुद एक सोशल मीडिया लोअर थर्ड एक क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल के लिए, ये देखें, एक फाइल क्रिएट की थी जो कि एक आईटी स्पॉट की थी। ये एक मैंने ऑब्जेक्ट मैंने खुद एडोब फोटोशॉप पे भी क्रिएट किया था, और उसके बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट दे दिया मैंने। खैर, अब वेबसाइट चेंज हो चुकी है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ऑटो सेलेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे हम itsport.info। अब हमारी वेबसाइट ये हो चुकी है, इसका डोमेन हम खरीद चुके हैं। तो गाइस, बात चल रही थी कि कैसे सोशल मीडिया लोअर थर्ड को क्रिएट किया जाए। तो ये इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्रिएट करना, इसमें कोई मुझे कोई मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कैमटेशा स्टूडियो की कोर्स की वीडियो है और उसमें एडोब फोटोशॉप का जिक्र आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ट्यूटोरियल क्रिएट करते हैं तो हमें सोशल मीडिया लोअर थर्ड की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, और ये क्रिएट ही एडोब फोटोशॉप से होता है, तो उसकी एक वीडियो अगर एडोब फोटोशॉप की आ जाएगी तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक फाइल क्रिएट ऑलरेडी हुई हुई है मेरे पास, मैं इसको एज एन PNG सेव करूंगा, ठीक है, क्योंकि ताकि इसको कैमटेशा स्टूडियो पिक कर सके। इसको मैं PNG फॉर्मेट में सेव करके इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ आईटी स्पॉट लोअर थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल सेव हो चुकी है और मैं इसे ओके कर चुका हूँ। एक और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आईटी स्पॉट के लोगो को कर देते हैं डिलीट, और इसके बाद मैं फाइल में जाके ओपन करके माय कंप्यूटर, मेरी USB, सोशल मीडिया लोअर थर्ड और FB को ऐड कर देते हैं। ये एक FB की PNG है जो कि आपको google.com से इजीली मिल जाएगी। मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब उसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ताकि वो उसके अकॉर्डिंग मर्ज हो जाए। एंड आई होप कि जब ये आईटी स्पॉट के प्लेटफॉर्म पर एडोब फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइनिंग की जब वीडियो आएगी तो आप बहुत पसंद करने वाले हो। अब इस ऑब्जेक्ट का कलर सबसे पहले क्या करते हैं, इसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स का कलर हम कर
इसी के ही अकॉर्डिंग आई ड्रॉपर टूल से इस कलर को मैंने पिक किया और इस कलर का कोड मैंने कर दिया कॉपी, देन इसे कर दिया ओके। और अब आता हूँ मूव टूल की तरफ, इस का मैं कलर कर देता हूँ, लेयर 5 पे मौजूद है और इसका कलर मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, तो वो देखें वो कलर उसके साथ मर्ज हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट पर आते हैं, इसको डबल क्लिक करके इसका कलर पैनल खोल के और इसे कर देता हूँ पेस्ट, तो वो भी FP के कलर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं रेक्टेंगल 1, इसकी डुप्लीकेट कॉपी, इसका कलर पैनल उसे भी कर दिया FB के कलर का, ठीक है। अब हम कुछ तहरीर को चेंज कर लेते हैं, लाइक अस ऑन फेसबुक, ठीक है। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब मजीद टेक्स्ट को साइट को हटा के www.facebook.com/IT-spot, ठीक है। तो ये हमारा FB एड्रेस भी आ चुका है, तो ये दूसरा लोअर थर्ड क्रिएट हो चुका। इसी तरीके से जब आप तीसरा लोअर थर्ड क्रिएट करोगे तो इसकी YouTube का भी कर सकते हो, Instagram का भी कर सकते हो, ट्विटर का भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनका लोअर थर्ड क्रिएट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे जाके मैं कर देता हूँ PNG फाइल और अब की बार नाम दे देंगे FB लोअर थर्ड। इसमें टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, या पॉसिबिलिटी हो सका जब ये कोर्स अपलोड करूंगा तो ये जो तमाम फाइल्स हैं मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी और इस बहाने आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कोई भी एक वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ, जो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले ये जो कस्टम बाइनरी वाली वीडियो अपलोड की थी, या कोई और वीडियो ट्यूटोरियल सिस्टम कैमटेशिया स्टूडियो की जो स्टार्टअप की क्लास है उसमें से एक वीडियो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखिए ये सोशल मीडिया लोअर थर्ड कैसे लगते हैं, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, अब ये वीडियो के बीच में, ठीक है, अब आप मेरी वॉइस सुनिएगा, तो इस सूरत में आपने यहाँ पे स्क्रीन के जो डायमेंशंस होती हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे लोअर थर्ड ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने रूलर की जो पोजीशन है इससे यहाँ तक ले आया और उसके बाद मैं अगेन इंपोर्ट मीडिया में जाके डेस्कटॉप पे जाके जो दो फाइल्स मैंने सेव की थी मैं उसे जस्ट इंपोर्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये देखिए एक लोअर थर्ड आ चुका है। इसके बाद इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करके इसकी साइज को डिक्रीज करके उसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और लोअर थर्ड ऐड कर देता हूँ जिसमें IT स्पॉट को इंडिकेट कर रहा है, उसे भी थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इसी के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, अब इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और इसके ऊपर एक बिहेवियर ऐड करना चाहूंगा और इसके ऊपर भी। जब आप एक सोशल लोअर थर्ड पर जो आप बिहेवियर यूज करते हैं कोशिश करें कि दूसरे पर भी यही यूज हो, ताकि आप देखिएगा इसका रिजल्ट होती है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में आके तो बाय डिफॉल्ट कस्टम होता है जिसकी कुछ वेट ये काफी दूर है। अब आप देखिएगा रिजल्ट स्क्रीन के जो डायमेंशंस होती हैं, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में आके तो बाय डिफॉल्ट कस्टम होता है जिसकी कुछ वेट हाइट एंड कलर जो होता है ये ब्लैक होता है, राइट। तो गाइस ये आप अपने वीडियोस में सोशल मीडिया लोअर थर्ड ऐड कर सकते हो, आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं कि $18, $20, $13, $50 व्हाटएवर जो भी आप पे करें, जब आप खुद क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया लोअर थर्ड को क्रिएट करते हैं, उसमें कैमटेशिया स्टूडियो का बिल्कुल जिक्र नहीं होने वाला, उसमें जस्ट हम एडोब फोटोशॉप पे सोशल मीडिया लोअर थर्ड क्रिएट करेंगे और उसे कैमटेशिया स्टूडियो में यूज करेंगे।
अब देखें, ये बिल्कुल छोटा भी अगर आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको एडजस्ट करके इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो ये आपके चैनल की एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आपके वीडियोस के दरमियान तो इस टाइप के जो सोशल मीडिया लोअर थर्ड आएंगे, तो आपका जो व्यूवर्स होगा, जो आपको वॉच कर रहा होगा, वो डेफिनेटली आपके इन सोशल मीडिया सोर्सेस पर भी डेफिनेटली विजिट करेगा। उन सोशल जो एप्स हैं, लाइक ट्विटर पे आपको फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर सकता है, फेसबुक पे आपको लाइक कर सकता है, इस तरीके से आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनमें इजाफा होता जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप अपनी वीडियोस अच्छी क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो व्यूवर्स चाहेगा कि जो ये वीडियोस के जो क्रिएटर हैं, मैं उन्हें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लूं, ट्विटर पर भी ज्वाइन कर लूं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लूं, यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वो आपके कंटेंट से खुश है, तो वो आपको खोना नहीं चाहेगा। तो यही वजह होती है सोशल मीडिया लोअर थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टअप में मैं भी अपने क्रेडिट कार्ड से बाय करने वाला था, फिर जब मैंने देखा कि ये तो मैं एडोब फोटोशॉप से क्रिएट कर सकता हूँ, तो गाइस मैंने खुद अपना एक सोशल मीडिया लोअर थर्ड क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखें, बिल्कुल जब आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया है, इसको PNG वेक्टर में क्रिएट किया है, तो इसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आने वाला है। और हो सका, पॉसिबल हो सका तो कोई इसी टाइप की एक वीडियो क्रिएट करके उसका आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, जब सेफ हो जाएगी तो उसका एक प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम एडोब फोटोशॉप के सोशल मीडिया लोअर थर्ड क्रिएट भी करेंगे, और उसे अगेन हम अपनी एक और कैमरेशिया की वीडियो में एड करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड स्पेशली अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। एंड गाइस, आपसे एक और रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कोर्स आप सीखना चाहते हो, और अगर आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो ये वाला सिलसिला IT स्पॉट के प्लेटफॉर्म से बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप फेसबुक, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर आप अपनी राय दे सकते हो, या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय दे सकते हो। और अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी जरूर सजेशन दीजिएगा, और पॉसिबिलिटी हुई तो हम वो कोर्स भी जरूर क्रिएट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।